यमुना गंगा उच्छल चंदा आशीष मांगे लागे तब जय दाता जन जन मंगल दायक जय हे भारत भारत माता की भारत माता की कर सके। मुझे फौज आदमी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि हर आदमी का हर बच्चे का खासकर बच्चे का ये ख्वाब होता है बचपन में जो जरूर बड़ा होकर आदमी हो जाएगा और देश की सेवा करेगा। मैं अपना जाती ही एक तजर्बा शेयर करना चाहता हूँ। एक्सपीरियंस में छोटा था कि एक स्कूल से वापस आ रहा था तो मुझे रास्ते में आर्मी ऑफिसर मिल गए। उन्होंने मुझे कहा कि आपका इंडियन लाइफ क्या है, तो मैंने कहा सर आई वांट टू बी एन ऑफिसर इन आर्मी। तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है आप मेहनत करो तो आप ज़रूर जाओगे। बट कि जहाँ ऊपर वाले ने लिखा होता है कोई कहीं जाता है कोई कहीं जाता है। फील्ड में आया हूँ, मैंने आर्मी के साथ काम किया है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपका आर्मी का इतना अच्छा कोऑपरेशन है यहाँ पे। क्योंकि जितना आर्मी का कोऑपरेशन है, आर्मी जिस सिचुएशन में जिन कंडीशन में काम करती है वो बड़ा ही टफ है। हमारे लिए मुश्किल रहे हैं, लेकिन हमारे जो चैलेंजेस हैं इतने नहीं होंगे जितने बेल फोर्स के हों, चाहे आर्मी है चाहे पुलिस है और चाहे खासकर जो एक्स सर्विस में यहाँ बैठे हैं हमारे साथी हमारे भाई। क्योंकि अक्सर जो प्रैक्टिस में हल हूँ, जैसे अभी यहाँ पे कम्युनिटी हाल का जिक्र किया है, तो वो जब आपका कुछ होगा लैंड में होगा जहाँ होगा जहाँ आपको लैंड चाहिए होगी स्टेट में हम उनको घुमा के देंगे। जिससे मैं यहाँ पे कोई आपकी वाई वाई रोकने के लिए नहीं कर रहा, मैं कोशिश करूँगा आपकी तरफ से कि आपकी भी अच्छी से अच्छी जगह रोक मिल जाएगी। जवेदा बी वाइफ ऑफ राइफलमैन लेट बाबू खान। फारूक तआला का लाख लाख शुक्र है कि आज हम एक्स मैनों को यहाँ पे इकट्ठा होने का मौका मिला। हम यहाँ पे 37 RR हाफ शीटिंग CO साहब, SDM साहब, SHO साहब, SDPO साहब और इसके अलावा जितने भी हमारे एक्स मैन यहाँ पे आए हैं, हम सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये एक्स मैन और सर्विस मैन ये दोनों एक ही हैं। जब तक बंदा कहीं भी सर्विस करता है तो वो सर्विस मैन है, जब वापस आ गया तो वो एक्स मैन है। डिसिप्लिन के अदारे में ये सब लोग एक ही जगह पे आते हैं। ये रैली करने का मकसद ये होता है कि जब बंदा वक्तन फवक्तन आर्मी के साथ में जुड़ा रहता है, तो हाल ही में जैसे हमारे सुरनकोट बफियाज ट्रॉफी विलेज के बीच में एक हादसा हुआ, अगर ये सारे लोग आपस में तालमेल में रहें, एक दूसरे के साथ में फोनिकली जुड़े रहें, तो ऐसे हादसा जो हैं वो कम होने के चांसेस होते हैं। तो मैं आप सबका, मीडिया हजरात का, सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और ख़ास करके 37 RR का कि जिनने यहाँ पे एक्समैन का यहाँ पे रैली का आयोजन किया और ख़ास करके जो हमारी वीर नाजिर थी और ग्लेंट्री अवार्ड होल्डर्स थे, इन सब का उन्हें हौसला अफजाई किया। ये यूं ही यहाँ पे आकर के लोग नहीं बैठ जाते हैं। एक 17 से 18 साल का बच्चा यहाँ से फौज में जाता है, चाहे वो राजस्थान की वहाँ पर सरहद हो या जम्मू कश्मीर का वहाँ पर LOC एरिया हो या दिल्ली का कोई भी एरिया हो या असम का कोई भी एरिया हो, मिलिटेंसी का हो, किसी भी तरह को ये अपनी जाने वहाँ पर निश्वार करते हैं सारे के सारे। ये जो ग्लेंट्री अवार्ड होल्डर हैं, ये ऐसे के ऐसे इनको अवार्ड नहीं मिलते हैं। ये सारे अपनी जगह पे कोई ना कोई काम करने का महारत हासिल करते हैं। और फौजी इंसान जब तक फौज में नौकरी करता है तो उसका घर का मोर्चा जो है उसके पूरे घर परिवार और फैमिली में संभाला होता है।